गुड्डन बेचारी मुश्किलों की मारी, एक मुश्किल जाती नहीं कि दूसरी आ ही जाती है उसकी लाइफ में। अब देखिए, दो बहुएं जो उसके साथ हो गई थी वो फिर से नाराज हो गई है गुड्डन से। वजह जो भी हो, लेकिन गुड्डन कुछ भी करने की कोशिश करती है, लोग यही कह देते हैं कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन को आज ये क्या हो गया है, लगता है वो अपनी सासू माँ वाले खिताब से या परेशान हो गई है। तभी तो आज उसने बहुरानी दुर्गा वाला रूप धर लिया है। जरा देखिए, दुर्गा की तरह हूबहू बनारसी साड़ी पहनी है उसने, और हाँ, दुर्गा के स्टाइल वाला गले का हार भी जरा देखिए। गुड्डन का ये दुर्गा वाला रूप देखकर आप भी थोड़े से सोचने समझने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर गुड्डन दुर्गा कैसे बन सकती है। अब दुर्गा बनी तो बनी, लेकिन ये क्या लक्ष्मी और सरस्वती उसकी क्लास क्यों ले रहे हैं, उसे खरी खोटी क्यों सुना रहे हैं। अब भी गुड्डन ने इन दोनों के साथ वादे किए थे और उस वादे पर वो खरी नहीं उतर पाई, जिसके चलते इन दोनों बहुओं का गुस्सा आप खुद ही देख लीजिए। जब मैं इस घर में आई थी तो सारे सपनों को, सारे ख्वाहिशों को भूल गई थी। जब आपके हाथ में कुछ था ही नहीं तो आपने ये सदा हरकत क्यों की? क्यों अच्छी साथ बनने के लिए मेरा और लक्ष्मी जी का इस्तेमाल किया? क्यों थी आपने हमको पल भर की खुशियां जब वापस छीनी थी? मैं जानती हूँ कि गलती सरों की थी, लेकिन सरों को वहां बेच के उससे बड़ी गलती आपने की। ना आप उसे वहां बेचती और ना उसे वो गलती होती। आपकी वजह से, खड़े खड़े गुड्डन को इतना कुछ सुना दिया, थोड़ा तो लिहाज किया होता कि गुड्डन आप दोनों की सासू माँ है। गुड्डन को पहली बार आपने यूं रोते हुए देखा होगा। गुड्डन के पीछे खड़ी दादी सास भी यही सोच रही है कि बेचारी गुड्डन के साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब जो हमारे डिजायर थे, जो हम सोच कहे थे कि हम इस घर में करेंगे, और जो हमें इतने दिन बाद मौका मिला था, और वो गुड्डन की वजह से पानी पड़ गया उस पर। तो अभी मेरी डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं रही, तो मैं उस पर आग लगा रही हूँ और गुड्डन पे पूरा ब्लेम कर रही हूँ कि आप जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, गुड्डन से कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो वो लिखवा के आई है कि गुड्डन से हो ही नहीं पाएगा। हमें उम्मीद थी कि हमने सास उसको माना, उसके पैर छुए कि सासू माँ आप इतना अच्छा कर रहे हो, शायद हम लोग का भला हो जाए, बट नहीं हो पाया, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। वही दूसरी ओर एजे को गुड्डन के चक्कर में चोट भी लग गई, और जरा देखिए गुड्डन का मरहम पट्टी करने का ये तरीका। अब भाई गुड्डन, ऐसे किसी को कोई पट्टी बांधता है कि आपसे तो ये भी ना हो पाएगा। ट्रीटमेंट क्या कर रही है वो, मुझे घोड़े टाइप उसने बांध दिया मुझे पट्टी से, क्योंकि गुड्डन को आता तो है नहीं कुछ करना, लेकिन उसका दिल साफ है, वो हेल्प करना चाहती है मेरी, तो वो मुझे क्रीम लगाती है। अब वैसे आपने पहले ही देखा होगा कि बहू और सास के बीच चैलेंज लगा हुआ है कि घर की भाग दौड़ कौन अच्छे से संभाल सकता है, जिसके लिए गुड्डन को घर की चाबियां भी मिल गई हैं। आज सही मायनों में बने हैं हम इंडिया की यंगेस्ट सास, घर की चाबियां अक्षत जी से पाई। सास बनकर जिम्मेदारियां संभालने के लिए उम्र और तजुर्बा दोनों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अपनी हार मानो और ये चाबियां मुझे सौंप दो। अब भाई गुड्डन कुछ ना कुछ करके तो घर चला ही लेगी, लेकिन तीनों बहुओं का क्या होगा जब गुड्डन को दादी माँ की ओर से क्लीन चिट मिल जाएगी कि गुड्डन तुमसे हो पाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।